अनुज और यजदीप के कॉम्पिटिटर से हुई फाइट। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड आपको बहुत ही अमदिंग देखने को मिलेगा अनुपमा का, और वहीं एक तरफ आपको अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुज और यजदीप के कॉम्पिटिटर से हुई है अनुज की फाइट। जी हाँ, वेल हुआ चाहिए, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को चाहिए मिलेगा कि फाइनली जो अनुज होता है स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ को पैसे दे रहा होता है। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा कि उनकी सारी की सारी स्टाफ की जॉब चली गई होती है, क्योंकि स्पाइस एंड चटनी पूरे तरीके से बंद हो चुका होता है और उनकी जॉब चली गई होती है। जी हाँ, और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तो वहीं एक तरफ जो अनुज होता है फाइनली उसके पास पहुँचता है। उनके पास पहुँचने के बाद फाइनली उनको कुछ पैसे दे देता है। जी हाँ, और उनको बोलने लग जाता है कि प्लीज़ तुम ये थोड़ा बहुत मदद समझ के ले लो, पर जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो तुम मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जी हाँ, और इसके बारे में तुम बिल्कुल भी अनुपमा को मत बताना, ये हमारी डील है, तुम प्लीज़ तुम अनुपमा को बिल्कुल भी मत बताना। जी हाँ, और ये सब होने के बाद फाइनली जो अनुज होता है वहाँ से जा रहा होता है तो एक कार अनुज को ठोक देता है। जी हाँ, और वो कार किसी और की नहीं बल्कि यजदीप के कॉम्पिटिटर की होती है। जी हाँ, यानी कि कबाब वाले रेस्टोरेंट की होती है वो कार, और फाइनली वो उतर जाता है। उतरने के बाद फाइनली जो अनुज होता है बहुत ज़्यादा भड़के हुए होता है उसके ऊपर, और फाइनली उसका कॉलर वगैरह पकड़ लेता है और उससे लड़ाई करने लग जाता है। जी हाँ, और वहीं एक तरफ जो स्पाइस एंड चटनी का एक स्टाफ होता है वो स्टाफ फाइनली उसके दीप के कॉम्पिटिटर जो होता है उस स्टाफ को जॉब दे देता है। जी हाँ, यानी कि राहुल को जॉब दे देता है वो कॉम्पिटिटर, और फाइनली वो बोलने लग जाता है कि इसको मैंने अपने पास रख लिया है, और फाइनली वो जो होता है उन दोनों की फाइट को शांत करा देता है। जी हाँ, तो वहीं एक तरफ जो अनुज होता है बहुत ज़्यादा भड़के हुए होता है उस पर, और फाइनली उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है राहुल के ऊपर, क्योंकि राहुल ने अनुपमा की जॉब छोड़कर फाइनली वो उसके पास चला जाता है। वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या होता है और भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है और भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।